नाज़रीन एक बार फिर आपको सुहानी सुबह खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सारा ब्रेक से जाने से पहले हमारा जवानों ने खूब हौसला बढ़ाया। फौजी जैसा भी हो हमेशा कहता है मैं जवान ही होता हूँ। हाँ, और इनफैक्ट वो दिल से जवान ही होता है बिल्कुल और तीनों जवानों ने खूब हौसला बढ़ाया और उन्होंने तारीख से खूब हमें वाकिफ तो करवा दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वाकिफ़ नहीं हमारा कुछ जज्बा जो है वो मजीद बढ़े, तो उसके लिए क्या लेकर आई हो आज? नहीं देखो, हमेशा मैं ही लेकर आती हूँ, और अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि सायरा एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तो मुझे बताओ क्या नया लाई हो, क्या नया लेकर आई हो। तो वसीम, आज मैं आपसे पूछूंगी कि आज आप क्या लेकर आए हैं और कौन से ऐसे स्पेशल मेहमान हैं जिनसे आज हम सीखेंगे भी और थोड़ा सा एंटरटेन भी होंगे। ये चले ऐसे करती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम आसान कर देती हूँ। एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है वो अगेन मेरा हुआ, उन गेस्ट का तारुफ मैं करवा दूंगी, और आप चूंकि खुद बड़े सोबर से हैं तो जो थोड़ा सोबर सा पार्ट है उसके इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी आप संभालिए, उनका इंट्रोडक्शन आप करा दें। जी जी बिल्कुल, आज हमें ज्वाइन किया है, हमें थोड़ा सा और तारीख के हवाले से बताएंगे, पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से आगाह करेंगे, और बात की जाए अगर तहरीक पाकिस्तान की तो उससे हमें वो आगाह करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक तो तहरीक पाकिस्तान चली, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, और अब जो तहरीकें कुछ चल रही हैं, कुछ पाकिस्तान और कुछ नया पाकिस्तान बनाने की बातें की जा रही हैं, कुछ नून और जनून एक कुछ नया ही पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, तो कैसा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं आज उनसे इस हवाले से जानेंगे। और काफ़ी मारूफ जो कुछ उन्होंने किताबें भी लिखी उनके वो मुसन्निफ़ भी हैं, प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं मॉर्निंग विद रॉयल में, और बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त के लिए। अच्छा वैसे ना मैं प्रोफेसर साहब से ये भी जरूर पूछूंगी कि उनकी माशाल्लाह से फैन फॉलोइंग तो होगी, क्योंकि ना लाइटर मूड हमने ये प्रोग्राम करना है, तो फैन फॉलोइंग में तुलबा की तादाद ज्यादा है या तालिबात की तादाद ज्यादा है, मतलब मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, और मतलब मेल ज़्यादा है तो उसकी क्या रीज़न है, फीमेल ज़्यादा है तो उसकी क्या रीज़न है। भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो लाइटर मूड में लेके चलेंगे, लेकिन एक बड़ा ही सीरियस सा क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम फर्स्ट पार्ट में ब्रिगेडियर गज़नफर साहब ने भी वसीम बड़ी खूबसूरत बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि हमारी तारीख का हमेशा से हिस्सा बनी रही, रादर हमारे सुनहरी और आँख का हिस्सा बनी रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन तमाम चीज़ों को हमारे निसाब से एक्सक्लूड कर दिया गया। हमारी जो आज की जनरेशन है दैट इज़ अ केबल जनरेशन, लेकिन उसके साथ साथ उसका नुकसान क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया, टैब आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गई, स्नैपचैट आ गई, लेकिन मेरे ख्याल से हम अपनी तारीख से अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ ये हम प्रोफेसर साहब से ज़रूर पूछेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, और जब मैं कमिटमेंट कर लूँ फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती, कि जो एंटरटेनमेंट का पार्ट है उसका तारुफ मैं करवाऊँगी। व्यूअर्स, तो हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर, और सिंगर से पहले मेरा बहुत ही लाडला भाई है, और लाडला भाई होने में उसका कोई कमाल नहीं है। द रीज़न इज़ के उनके जो वालिद साहब हैं मैं उनका बहुत लाडला बच्चा हूँ, तो उस उनसीयत से वो मेरा भाई है। बहुत खूबसूरत सिंगर है, रिसेंटली माशाल्लाह उसका एक वीडियो सॉन्ग भी लॉन्च हुआ और उसने धूम मचा दी, इस हवाले से भी हम उससे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अहमद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम अहमद, हमारे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद, और आज सुबह सुबह तुम्हें स्पेशली मेरे लिए उठना पड़ा, इसके लिए शुक्रिया तो नहीं बोलूंगी, मेरा हक है आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन हूं, कि मैं तुम्हें कह सकती हूं कि अहमद जल्दी से आओ। एनी हाउ जी, हम आपसे जरूर पूछेंगे आपके वीडियो सॉन्ग के हवाले से भी, तो बस ये मेरा ख्याल है कि हम पहले स्टार्ट करें प्रोफेसर साहब से, तो आप अपने सोबर और प्यारे से स्टाइल में सवाल करेंगे या मैं शुरुआत जी उनसे पूछते। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि एक तहरीक पाकिस्तान चली और एक आज तहरीक पाकिस्तान यानी नया पाकिस्तान बनाने की सूरत में वो तहरीक चलाई जा रही है, क्या फ़र्क है इन दोनों? इस पर फ़र्क ये है कि तहरीक पाकिस्तान एक रिवायत का नाम है, और उस रिवायत में बुनियादी किरदार मिल्लत का था। सही। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान या उस वक्त यानी हिंदुस्तान भी शामिल था, जिसमें बंगाल भी शामिल था, इसमें यूपी के मुसलमान भी शामिल थे, जनूबी इंडिया के भी थे, उन सब ने एक ही फैसला किया कि हिंदुओं के साथ रहना मुश्किल है, जबकि कोशिश यही थी कि हिंदुओं के साथ रल मिल के रहें, जैसे कि अब भी कोशिश करते हैं, मगर ये रल्ला मिलना उसका मिजाज आज भी आप हिंदुओं का देखें कि पाकिस्तान तो बन गया, मेजॉरिटी अब भी वहाँ पर इंडिया में मुसलमानों की है, ना वहाँ कोई लीडर है जो नया पाकिस्तान या नया इंडिया की बात करे, ना वहाँ कोई पार्टी है, ये सारी धूम यहीं मचती है, मगर इलाके अपनी रिवायत से कटते नहीं हैं। ये नया पाकिस्तान जो बनाना चाहते हैं, क्या कायदे आजम का पाकिस्तान वो सीधा हो गया है? सही। वो सीधा नहीं हुआ, फकत हम समझने से आ रही हो गए, जैसे अभी बहन ने कहा कि ये मौजूदा नस्ल जो है ना ये टैब की पैदावार है, और टैब की पैदावार में तारीख भी अपनी मर्जी की पढ़ाई जा रही है, अब तक यहाँ देखें उर्दू भी अब रोमन में स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जबकि गांधी यही कहता था
कि मुझे उर्दू से बड़ा प्यार है, हम सब उर्दू बोलते हैं, मगर इसे लिखें संस्कृत में। अगर वो खत रस्म अल खत अपना लिया जाए, कहते थे इससे फिर कुरान की बू नहीं आती, नाउज़ुबिल्लाह कि कुरान अरबी उर्दू में लिखा जाएगा, कुरानी हरूफ में लिखा जाएगा तो मुसलमान का ईमान जागेगा। और आज हमने नए पाकिस्तान में आसानी से सारे, आप देखिए जो बोर्ड लगे होते हैं वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं। ये फ़र्क ज़रूर आया है, मगर ये है कि रिवायत अपना पीछा नहीं छोड़ती। ये हुक्मरान आज नून हो या जुनून हो या कुछ भी हो, ये भी अपने रिवायत से जान छुड़ाना चाहेंगे तो नहीं छूट सकेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रोफेसर, जब उर्दू जुबान के हवाले से आपने बात की तो यहाँ पर हमारी बदकिस्मती ये है कि जुबान शायद हमेशा से हमारी एक कमज़ोरी रही है। उर्दू अगरचे हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन आज फिर क्यों अगर अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ का भी तलफ़ गलत हो जाता है तो हम उस पर एम्बेरसमेंट फील करते हैं। और उर्दू के न जाने लफ्ज़ नहीं, मैं कहूँगी कितने जुमले हम गलत बोल जाते हैं, उनका तलफ़ ठीक नहीं होता और हमें इस पर ज़रा शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो क्यों हम इस ज़ुबान का वो हक नहीं अदा कर पा रहे हैं जो बेसिकली इसका हक बनता है? उसका बुनियादी तौर पर यह है कि तरजीहात हमारी बदल गई हैं। कायदे आज़म अंग्रेज़ी बोलते थे, अंग्रेज़ी लिखते थे और उर्दू जानते थे, फारसी भी जानते थे, ठीक है, और उर्दू में भी तकरीर उन्होंने बाज की हैं, की हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने उर्दू ज़बान के मामले में वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। बंगाली में भी, बंगाल में भी जाके इस पाकिस्तान में भी यही बात कही, क्योंकि उर्दू जो है वो तहरीक पाकिस्तान की खिश्ते अव्वल थी। जो पाकिस्तान बना उसमें दो बुनियादी, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दो बुनियादी मकसद थे, एक ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ था, ज़ुबान के साथ तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ होता है, तारीख का तहफ़्फ़ुज़ होता है और आइंदा आने वाली नस्लों की तरबियत होती है। तीसरी ये बात थी कि दूसरी के मशरिकी पाकिस्तान जो है, बंगाल एक यूनाइटेड बंगाल था जिसमें आसाम, उड़ीसा और जिस सेवन स्टेट्स के इर्द गिर्द ये सारा मौजूदा ईस्ट पाकिस्तान जैसे अब बांग्लादेश कहते हैं, ये सारा यूनाइटेड बंगाल था। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये मैनेज करना इतना मुश्किल था कि वायसराय जो है वो पूरे 5 साल के टेन्योर में पूरे बंगाल का विजिट नहीं कर पाता था। तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड किया गया कि ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में फॉर्चुनेटली मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाती थी और वो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड एरिया था। जब आप किसी को इंतजामी जिम्मा यानी स्टेटस देते हैं तो उसका बजट आ जाता है, उसमें मुसलमानों की तालीम भी बेहतर होनी थी, उसमें मुसलमानों की समाजी हालत भी बेहतर होनी थी और कारोबारी हालत भी बेहतर होनी थी। तो आप ये देखिए कि 1905 में ये बंगाल तकसीम बंगाल आई है और 1911 में रिवोक कर दी गई, उसे तनसीख कर दी गई। ये वो पस मंज़र था जिससे हिंदू का रवैया भी पता लगता था और अंग्रेज़ का भी रवैया पता लगता था। क्या पाकिस्तान बनने के बाद भी हमें यही तजर्बे करने चाहिए? ठीक। क्या और दूसरा ये है कि ज़ुबान का, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया जो है ये मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ नस्लों का मुल्क है, यहाँ कोई एक नस्ल या एक रिलीजन नहीं पाया जाता। मगर सबसे ज़्यादा अहम बात जो है कि यहाँ के जो ड्रेविडियंस हैं, जो द्रावड़ी हैं या नेटिव्स जिन्हें आप कह लें आसानी ज़ुबान में, कि असली नस्ली जो इंडियन हैं वो अछूत हैं, जिन्हें आजकल दलित का नाम दिया जाता है, और उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में है और बदकिस्मती से वो 4 से 5 हज़ार साल से ह्यूमन राइट से महरूम है। और उसका सबब क्या है कि उनकी ज़ुबान बदल दी गई। ज़ुबान बदलने से नस्लों का अपनी तारीख से, रिवायत से रिश्ता ख़त्म हो गया और वो तहजीब व तमद्दन, वो रहन सहन, वो उठना बैठना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हम जो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, हमारे लीडरान को इस किस्म की, इस तारीखी तनाजुर को सामने रखना चाहिए, वरना पाकिस्तान को बनाते बनाते नुकसान होगा और ये यानी पाकिस्तान की हैत फिर भी नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर दुश्मन ने अपना रवैया नहीं बदला तो क्या पाकिस्तानी अपना रवैया बदल के किस पोजीशन में जाएंगे? बिल्कुल ठीक, ठीक हो। अच्छा जी, अहमद आपकी जानिब आएंगे। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि माशाल्लाह अभी 8 अगस्त को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 अगस्त को ही तुम्हारा वीडियो, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हाउ वाज द रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स रहा, और थोड़ा सा हमें बताओ भी इसके थीम के बारे में, लिरिक्स किसके हैं और व्हाट अबाउट द फंक्शन और द लॉन्चिंग ऑफ योर सर्विस? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो रॉयल न्यूज़ का बेहद मशकूर कि उन्होंने इनविटेशन दिया, और मॉर्निंग न्यूज़ आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। और अच्छा जब... तो वैसे पता है हम बहुत अच्छे ये कोई नई बात बताओ ना, तुम कितनी बार, हर बार तुम मुझे ये बात बोलते हो, फ्लैटरिंग कर रहे हो बहन की, तुम तारीफ करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तारीफ के लायक हैं और तो इस वजह से तारीफ बनती है। जैसे कि आप सिस्टर हैं माशाल्लाह, और
आपने हर जगह भाई का साथ दिया, मुझे बहुत खुशी होती है। बस बेसिकली बड़ा अच्छा रिस्पांस आया वर्ल्ड वाइड, हम लोगों ने इसको रिलीज़ किया एल्बम को, दिलदारियाँ को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। 2.5 मिलियन लोगों ने उस एल्बम को माशाल्लाह रिस्पांस दिया, और बड़ा अच्छा आप लोग जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल, और हम और हमारे व्यूवर्स ज़रूर आपका ये खूबसूरत सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे। लेकिन ना एक बड़े ही मज़े का ये कॉम्बिनेशन, ये ग्रीन कलर का मफलर ही बोलते हो ना वसीम, मतलब अगर हम लोग पहने तो दुपट्टा कहलाए, और अगर तुम लोग पहनो तो क्या कहलाए वसीम, ये गले में जो अहमद ने पहना हुआ, लाइक अगर मैंने पहना होता तो दुपट्टा कहलाता, अभी अगर अहमद ने पहना हुआ तो ऑब्वियसली दुपट्टा नहीं कहलाएगा। तो मेरा मन ये कर रहा है, बल्कि मेरा दिल ये कर रहा है कि हम सॉन्ग की बजाय कोई मिली नगमा सुने, क्योंकि अभी कल ही हमने 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट की है, और इसलिए इस हवाले से मैं चाहूँगी कि खूबसूरत सा मिली नगमा हमारे प्यारे से वतन पाकिस्तान के नाम कौन सा सुनाओगे? जी मैं सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, तो आप लोगों की नजर की सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तुझसे है ये शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। और अल्लाह ताला हमेशा हमारी सोनी धरती को आबाद रखे, कायम रखे, आमीन। जी वसीम, हम प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे, और वैसे मुझे तो उनकी कॉन्वर्सेशन से एक पॉइंट मिला, लेकिन वो पॉइंट मैं बचा के रखूंगी, तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि तुमने जो सवाल करना है तुम सर से पूछ लो, फिर उसके बाद हम। जी बिल्कुल, प्रोफेसर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि कायद के पाकिस्तान में और आप आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं, कि एक कायद के दौर का नौजवान था, एक आज के दौर का नौजवान है, इसको कैसे रिलेट करेंगे आप? ये बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस माहौल का और आज के माहौल का। और उस वक्त का मुआशरा जो था ना, मुस्लिम मुआशरा भी मज़बूत था, आज का मुस्लिम मुआशरा जो है वो मज़बूत नहीं है। उसकी एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर आप देखें फ़िरकादारी है, और फ़िरकादारी के अलावा ये सरमायादारी और गुरबत का जो मामला चल रहा है, फिर नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, ये मसाइल कुछ ना कुछ दूसरी शक्ल में उस वक्त भी थे, मगर मिजाजों में एहतराम था बड़ों का भी और अपनी रिवायत का भी। आज जो नारे लग रहे हैं उसमें रिवायत से कटने के नारे हैं। कायदे आज़म ने जो बात की थी और कायदे आज़म की जो शख्सियत थी, अगर उसको अब होता यह है कि लीडर अगर अच्छा है तो फॉलोइंग खुद ब खुद चलती है। गो बहन ने तो मेरी कहा था कि भाई फॉलोइंग मर्दों की ज्यादा होती है या औरतों की, वो तो अपनी जगह बड़ी दिलचस्प बात है। अगर गुस्से के पूछेगा भगवान जी फॉलोइंग औरतों की ज्यादा है, किसी औरत से आपसे पूछा जाएगा तो मर्दों की फॉलोइंग ज्यादा होगी, मगर बहरहाल ये अपनी जगह है। मगर वो कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर बुनियादी चीज़ है। कायदे आजम का कैरेक्टर जो है उसकी तारीफ न सिर्फ मुसलमान करते थे, उनके दुश्मन भी करते थे। बिल्कुल ठीक। सरोजिनी नायडू का बड़ा मशहूर जुमला है कि कायदे आज़म अनपरचेजेबल थे, और अगर कायदे आज़म एक कायदे आज़म मुस्लिम लीग में हो, ये कांग्रेस में होते और 100 कांग्रेसी मुस्लिम लीग में होते तो पाकिस्तान ना बनता। सही, वो कैरेक्टर की जीत थी। हमारी बदकिस्मती से मौजूदा लीडर कैरेक्टर लेस हैं,
और इनका ये भी नहीं पता, अब देखें कि कायदे आजम जिस दौर में थे वो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज थे और उस वक्त सबसे ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा फी लेने वाले लॉयर थे, वकील थे। सही। मगर उन्होंने बार बार जाके अपना मरकज लंदन नहीं बनाया, इनका तो मरकज ही सारे बाहर है, बाहर। ये बड़ा फर्क है। दूसरा, कैरेक्टर बिल्डिंग का एक बड़ा जमहूरी मसलन जमहूरियत के हवाले से, कायदे आजम 1911 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और 1947 तक लगातार रेगुलरली वही इलेक्ट होते रहे मुंबई यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या वहां पर फकत मुसलमान ही बसते थे? वहां पर सिख भी थे, हिंदू भी थे, पारसी भी थे और ढेरों सारी नस्लें थी। और वो क्यों कायदे आजम को वोट देते थे? कायदे आजम बाज़ुकात अपने मुल्क में भी नहीं है, वोट भी नहीं को मिलता था। अगर कोई या नहीं दूसरा आदमी खड़ा भी होता था तो जमानत जब्त हो जाती थी। सही। ये वो कैरेक्टर है और उसको वाज़े तौर पर इस लफ्जों में बयान किया गया था कि कायदे आजम जो बात उनके दिल में है वही जुबान पर होगी। दूसरी बात, जो उन्होंने जो नजर आ रहे हैं वही कुछ हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि कायदे आजम ट्राइबल एरिया से गुजर रहे थे, अपनी टिफिन गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हेड जो था टांग के टांगों पर रखे, हेड जो है वो घुटने पर रखा हुआ था। अब ट्राइबल एरिया के लोग जो हैं वो ज़्यादा मजहबी हैं, उनके साथ बैठे साथी ने कहा कि कायदे आजम ये ज़रा हेड नीचे रख लीजिए, ये लोग मजहबी लोग हैं, ये अंग्रेजी लिबास पसंद नहीं करते। कायदे आजम ने उठा के सर पर रख लिया। अच्छा। और कहा कि इन लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और कायदे आजम हमेशा सच बोलते थे जो उनकी मकबूलियत का सबब था। और कायदे आजम की पॉलिसी वो थी कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हराया, अपना मौकिफ क्याम पाकिस्तान का पूरा किया और हिंदुओं को भी हराया। ना वो गांधी एक कामयाब लीडर है, ना नेहरू कामयाब लीडर है, कामयाब लीडर कायदे आजम है। और बदकिस्मती हमारे लीडर जो है कायदे आजम को पढ़ते नहीं, कायदे आजम को नहीं पढ़ते तो पाकिस्तान को क्या पढ़ेंगे। ये बहुत सारे मसाइल हैं, मगर ये है कि आज का नौजवान जो है उसको, जैसे अभी आपने निसाब का जिक्र किया था, बदकिस्मती से निसाब जिस तरह हमारा बन रहा है उससे ना पाकिस्तानी पैदा होंगे ना हम मुसलमान सही तरह पैदा कर सकेंगे। सही। और क्या मसाइल उस वक्त नहीं थे? ये जो आज मसाइल हैं ये पार्टीशन के वक्त भी थे, तहरीक पाकिस्तान के वक्त भी थे, मगर लोगों को एतमाद था कि कायदे आजम ना हमें बेचेंगे, ना फजूल बात करेंगे, ना बिकेंगे ना बकेंगे। ये वो शऊर था। ए काश इनमें से कोई एक लीडर ये तय कर ले कि मैंने कौम के साथ सच बोलना है। और कायदे आजम ने कभी किसी इंसान की मुलाकात में तोहीन नहीं की, तोहीन नहीं की। और उनकी कैफियत ये थी कि असूल पसंदी की, कि अगर बेटी से नाराज हुए हैं बावजूद तो मरते दम तक उनकी उसकी शक्ल नहीं देखी। ये वो असूल हैं जिसने कायदे आजम को कायदे आजम बनाया था, वरना उम्मत मुस्लिमा किसी को आसानी से कायदे लीडर मानती है, आज भी नहीं मानती। बिल्कुल। तो हमें कायदे आजम की शख्सियत को सामने रखना चाहिए, उनके किरदार को भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद, पहले हमने आपसे सुना मिली नगमा और उसके बाद वो वीडियो सॉन्ग जिसका थ्रू आउट प्रोग्राम हम डिस्कशन कर रहे हैं दिलदारियाँ, तो मेरे ख्याल से कि हमें अपने व्यूवर्स को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए, तो अब हम जरूर तुम्हारा वही वाला सॉन्ग सुनना चाहिए। दिलदारी डेडिकेट किसको कर रहे हो? पॉलिटिकल आंसर सियासी जवाब ना देना मुझे बिल्कुल भी, सीधा सीधा बता देना कि किसको डेडिकेट कर रहे हो। ये मैं ये ना कहना सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को, तमाम व्यूअर्स को समथिंग। ये मैं सारा जी को डेडिकेट कर रहा हूं। हाय मेरा भाई, थैंक यू। इट्स अ पार्टी टाइम इन द पिन। तू है मेरी रानी, लाखों में है बेबी अरे तेरी जवानी, सुन ले कहानी, मिलके तू मेरे साथ जी ले जिंदगानी, छोड़ के ना जाना मुझे कभी मेरी रानी। तेरे प्यार च राजा होया हीरे गुण जमीना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरे गुण जमीना। तेरे प्यार च राजा होया हीरे गुण जमीना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरे गुण जमीना। जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जमीना, जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जमीना। दिलदारिया दिलदारिया तेरे नाल लाके हारिया, दिलदारिया दिलदारिया तेरे नाल लाके हारिया, दिलदारिया दिलदारिया तेरे नाल लाके।
ਤਸਵੀਰ ਵੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇ Wonderful, बहुत खूब, बहुत खूब, wonderful. I don't have words to express. मतलब I really loved it. अच्छा, अहमद, तुम्हें मुझ में कोई change feel हुआ? To be very honest, बताना, क्योंकि this is not your first program. अगर तुम्हें यकीनन एक change feel हुआ, अगर जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हें उसकी reason बताऊँ. Smart हो गई हैं आपका. ओहो, वो तो मैं शुरू से ही हूँ smart हो गई हैं. तुमने आज देखा नहीं कि तुम्हारी बहन कितना control करके सिर्फ seat के ऊपर बैठी हुई move कर रही थी. Exactly. इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं है, तब्दीली आ गई है. और उस तब्दीली की वजह ये है कि मेरा co-anchor माशाल्लाह बहुत sober है. बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई इस तरह का सॉन्ग लगता है तो एक सायरा सीट पे बैठ के, सायरा सीट पे बैठ के, ओके वसीम, ओके वसीम. एनी हाउ, आई एम रियली अ ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री. अगर आपकी केमिस्ट्री आपके को होस्ट के साथ अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप कभी भी इतने अच्छे से प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाओगे. मुझे वसीम ऐसे याद नहीं है कि हम कितना वो प्रोग्राम आज होस्ट करें, लेकिन आज चूँकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक्सप्रेस करूँ, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन. मतलब शायद अगर मेरी तुम्हारी जगह कोई और को होस्ट होता, बड़े दिल से बोल रही हूँ, तो शायद मैं इतना अच्छे से ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर पाती. और अल्लाह करे कि हमारी ये केमिस्ट्री हमेशा इसी तरह से बनी रहे, और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएँ, कुछ इनोवेटिव लेकर आएँ. व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है. वंस अगेन हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों की, जो कि मॉर्निंग विद रॉयल का हिस्सा बने, और अपने दोनों मौजूद मेहमानों के लिए हमारी ढेर सारी दुआएँ, हमारी ढेर सारी बेस्ट विशेज. अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए. कल इंशाल्लाह ताला से फिर हाजिर होंगे नई टॉक स्टोरीज के साथ, नए मजे के साथ, नए एंटरटेनमेंट के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी कि सायरा सिद्दीकी और वसीम खालिद को दीजिए हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम.